दोस्तों, आप आजकल एक बहुत ही हॉट न्यूज सुन रहे होंगे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज है, जिसमें दोस्तों की कई लोगों के शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि क्या कोई आपके पुराने से पुराने जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं वो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं, और ये क्या टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लोनिंग की एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके सिम क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा आप ये व्यवस्था और ये तरीका, ये व्हाट्सएप के मैसेज या पुराने चैट्स को आप दोस्तों जान सकते हैं। बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए आज हम आपको बहुत ही सरल अंदाज में आपको बताएंगे। दोस्तों, कोई भी जो अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जैसे इस केस में एनसीबी है, वो उनके अधिकारी जो है कैसे आपके व्हाट्सएप या आपके चैट्स को पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। अभी अभी सुशांत का मामला तो बहुत पुराने से चल ही रहा है, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर के भी 2017 के व्हाट्सएप चैट को बेस मान करके उनको ड्रग्स के आरोप में उनको दोस्तों एक समन जारी किया गया था। दोस्तों, ये चैट टैलेंट मैनेजर जो इनकी जया शाह थी, इनकी जो दीपिका पादुकोण की थी, उनके मोबाइल से मिले हैं। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि ऐसा मोबाइल क्लोनिंग के द्वारा किया जा सकता है। यह कोई नई साइंस तकनीक नहीं है, ये काफी दिनों से इस्तेमाल हो रही है। काफी लोग इसका इस्तेमाल करके पैसा भी दूसरे के अकाउंट से ले उड़ा लेते हैं। मोबाइल क्लोनिंग का इस्तेमाल कई सालों से होता चला आ रहा है, और इस टेक्नोलॉजी द्वारा क्लोन किए जाने वाले फोन के डाटा और सेलुलर आइडेंटिटी को नए मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, क्लोनिंग का मतलब होता है कि आपका एक ओरिजिनल हो गया, एक आपकी कॉपी हो गई, ये इसका मतलब होता है। दोस्तों, किसी के मोबाइल की क्लोनिंग वैसे पर्सनल तौर पर नहीं की जा सकती, ऐसा करना अनलॉफुल भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं वो किसी भी यूजर के मोबाइल डाटा को एक्सेस करने के लिए कानूनी तौर पर फॉरेंसिक की हेल्प लेते हैं, और इस प्रोसेस में इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी नंबर ट्रांसफर भी हो जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, हर एक मोबाइल का एक नंबर होता है, जिसको IMEI कहते हैं, उसी को ये चीज बोली जाती है। फोन क्लोनिंग से दोस्तों कुछ ही मिनटों में मोबाइल का सारा डाटा दूसरे डिवाइस में पहुंच जाता है। पहले डाटा कॉपी करने के लिए मोबाइल हाथ में रखना जरूरी होता था, लेकिन अब एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, और डिजिटल की जो हमारी दुनिया है स्मार्टफोन की, उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। केवल एक ऐप के इस्तेमाल से फोन की क्लोनिंग की जा सकती है। दोस्तों, क्लोनिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरे होने के बाद पुराने मोबाइल की व्हाट्सएप चैट को नए मोबाइल के क्लाउड में मौजूद रीसेंट बैकअप स्टोर में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक बैकअप आप अपने अगर व्हाट्सएप में जाएंगे तो आपको जहाँ चैट्स लिखा होगा उसके बाद चैट बैकअप और कई तरह के बैकअप के जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप देखेंगे, वहां पर एक बैकअप का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप गूगल ड्राइव है या आपका कई तरह के बैकअप उसमें आपको देख सकते हैं। वहां से दोस्तों आप इसको एक्सेस करके नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने FAQ के में भी बताया हुआ है, इनका जो FAQ का डिटेल है उसमें बताया हुआ है कि मोबाइल का बैकअप फोन नंबर और गूगल अकाउंट से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी पर्सन आपके बैकअप से चैट को आसानी से किसी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों, बात ये भी है कि फोन की क्लोनिंग में रीसेंट बैकअप, यानी रीसेंट मतलब अभी अभी का जो बैकअप है उसकी सहायता से चैट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मोबाइल क्लोनिंग के माध्यम से ये जो अभी केसेस हो रहे हैं, इस तरह से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको अधिकार प्राप्त होते हैं वो आपके मोबाइल को क्लोन करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी पुराने डेटा को डेटा के बैकअप से पुरानी चैट्स को वापस ला सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस तरीका हो गया है, और काफी लोग इसको करने भी लगे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप के पुराने चैट्स को रिट्रीव करके किस तरह से अभी ये जो ड्रग्स का मामला है उसमें ये नया मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।